व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जीबीजी ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं एक मस्त जगह पर, और हाँ, वीडियो के आखिर में लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। आप लोगों ने थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे, तो फिलहाल तो चलो टाइटल देख को भी आप समझ गए। तो अभी हम स्टेशन की ओर है, तो अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अभी रोड गीला है, इसलिए हम ज़्यादा स्पीड में भी नहीं जा सकते। तो अगर हम ज़्यादा स्पीड में गए तो हमारा गाड़ी स्किड कर जाएगा। तो फिलहाल तो हम अभी जाएंगे, थोड़ी चाय वाय पियेंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे। वीडियो के आखिर में मिलेगा, लास्ट तक देखो वीडियो को। तो अब अभी हम आ गए हैं बुर्ज खलीफा के पास, जो कि बहुत दिन बाद आए हैं यहाँ पे। आते हुए हम दिखाएंगे यहाँ पे कि यह कितना मस्त बिल्डिंग है गाइस। और आप लोगों के लिए आखिर में छोटा सा एक सरप्राइज़ है, तो फिलहाल के लिए तो अब ब्लॉग देखो और टाइटल और थंबनेल देख के आप सरप्राइज़ का अंदाज़ा लगा लिए होंगे, क्योंकि गाइस आज बहुत कुछ होने वाला है। तो फिलहाल तो चलो चलते हैं, हम यहाँ से सीधे जाएंगे, वहीं पे रोड है हमारा, आप लोग सब पहचान गए हैं हमारा यहाँ का रोड अभी। तो भाई यहाँ से हम जाएंगे जाते हुए, लेकिन हम मिलेंगे उस मोड़ पे। तो हम अभी आ गए हैं शोशन की ओर ब्रिज वाली साइड पे। तो गाइस हमारा लेफ्ट में है रेलवे का पटरी, और राइट में है हमारा वो जो पॉइंट होता है, तो वो सब अभी यहाँ पे रेडी हो रहा है, पेड़ पेड़ काट के वो थोड़ा चार खेती वेती और हो रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल तो यहाँ बहुत मस्त लगता है, लेकिन यह बहुत गंदी है क्योंकि यहाँ पे शमशान घाट है। तो फिलहाल रात में यहाँ इस रोड पे लोग जाते हैं, मतलब अक्सर यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ये है तो बड़ी मस्त सी जगह। तो फिलहाल चलो आते हुए हम ब्लॉग करते हैं। तो अभी के लिए हम आ गए हैं कुछ ऐसी जगह पे, ये हम मतलब हम जो वहाँ पे जो छोटे रोड थे वहाँ से हम थोड़ी बड़ी रोड की ओर शिफ्ट हो गए। तो फिलहाल तो यहाँ से हम जाते हैं, ये रोड मतलब है बड़ी रोड कहने के लिए है, लेकिन रास्ते पर घंटे घंटे भरे पड़े हैं। मतलब हम कल गए थे NH 35 या ऐसा ही कुछ होगा, और वो हमारे यहाँ पे जोशोर बोलते हैं उसे, तो उस रास्ते पर भी गड्ढे फटे हैं, बहुत है, थोड़े नहीं बहुत है। तो वहाँ से भी गाड़ी संभाल के चलाना पड़ता है, और यहाँ पे भी चलाना पड़ता है। वैसे भी यहाँ पे बारिश हुआ है, रोड हल्का हल्का गीला है, और यहाँ पे रास्ते पे बहुत बालू है, इसलिए गाड़ी स्किड बहुत करता है यहाँ पे। और वैसे भी हमारे पास स्कूटी है, उसका छोटा चक्का होने के नाते बहुत स्किड करता है। एक बार तो मैं गिर भी गया था स्किड करके, तो लगा भी था मेरा गर्दन फर्दन सब घुटना फुटना सब छिल गया था, शर्ट और पैंट सब फट गया था नीचे की ओर से। तो फिलहाल अभी हम जाएंगे, आज हम एक नई जगह पे जाएंगे, उसका नाम है टी हाउ। तो फिलहाल तो वो बहुत मज़ेदार है, मतलब नाम का ही बहुत मज़ेदार है। तो फिलहाल तो चलो चलते हैं। अभी तो हम लोग आ गए हैं टी हाउ के बहुत नज़दीक, और यह लेफ्ट साइड में हमारा एक बाज़ार है। यहाँ पे कब होता है कब नहीं होता मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे घर से ये थोड़ा दूर है, और हम यहाँ ज़्यादा आते भी नहीं है, मतलब हमारा दूर जाने का होता है तब ये यहाँ पे आते हैं। तो सामने क्या हमको दिख रहा है मतलब कैमरा में, मुझे नहीं लगता दिखेगा कि नहीं, सामने टी हब है हमारा। तो फिलहाल वो सामने टी हब गाइस, वो देखना बहुत मतलब फनी टाइप का नाम है उसका, तो लेकिन चाय अच्छी बनाता है, लेकिन फ़नी टाइप का नाम है उसका भाई टी हब। ये कैसा नाम है नहीं पता गाइस, पॉन हब जैसा होता है ये। तो फिलहाल तो चलो देखते हैं, आ गया वो सामने बोर्ड टंगा हुआ है, तो दूर से ही दिख गया था हमको, और ये रहा टी हब यहाँ पे। तो अभी गाइस मैंने वो अंकल के साथ थोड़ा मजाक किया, मैंने बोला उनको कि अगर मैं बिरयानी ले लूँ सारा बिरयानी तो आपको वो हांडी फ्री में देना पड़ेगा। अंकल हंस रहे थे और बोले थे कि ले जाओ भाई ले जाओ सारी बिरयानी, तो मैंने फिर हंस दिया। तो कोई बात नहीं, चलो मजाक से हट के चलो चलते हैं, हम अभी मीडिया की ओर जाएंगे, थोड़ा मज़े वज़े लेंगे वहाँ पर, थोड़ा फोटो शूट करवाएंगे, और यहाँ पर सरप्राइज़ तो मिलेगा ही आपको। और फिलहाल तो रास्ते में जो बोल रहा था घंटे, और गाइस यहाँ पे तो बहुत बारिश हो रहा है, इसलिए बार बार मुझे कैमरा के आगे से अगर पानी वानी आ जाए तो साफ़ करना पड़ रहा है। तो फिलहाल तो चलो चलते हैं मीडिया की ओर, सीधा कहीं नहीं जाएंगे, सीधा मीडिया पे जाएंगे अभी। फिलहाल तो कुत्ते भी आते हैं बहुत रोड पर, अगर कुत्ते अगर बीच में आ जाए ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अगर वो कुत्ते का मतलब कुत्ते के ऊपर वो जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्लिप भी करते हैं, अगर गाड़ी एक बार उसके ऊपर आ जाए तो हमारा चक्का स्लिप कर जाएगा और फिर हम गिर जाएंगे। गाइस ये वही शांड है जो अगले दिन हमको रास्ते के बीच में दिखा था आज साइड में, लेकिन ये बहुत बड़ा मिनिमम 6 फुट के आस पास तो होगा ही।
का। और अगर लंबाई में बात की जाए तो फिलहाल तो अभी बहुत लंबा है, मतलब ये गाड़ी की जितना लंबा है, ये हमारा साइड में जो गाड़ी है उस जितना लंबा है। तो अभी हम आ गए हैं मोड़ पे, तो अभी हम आए थे राइट की ओर से, अभी हम जाएंगे सीधा वो पेट्रोल पंप के सामने से। आज हम पेट्रोल पंप की ओर से नहीं आए थे, जो मैं बोल रहा था मेन रोड की ओर है, तो वो राइट वाला रोड था, वो मसंदपुर की ओर गया था। तो फिलहाल चलो मीडिया की ओर चलते हैं। आप लोगों का बेसब्री से जो पल का इंतज़ार था, सामने हमारा सरप्राइज खड़ा हुआ है, हम दूर से ही देख लेंगे, लेकिन बहुत मज़ा आया आज फोटो शूट करवाने में। तो फिलहाल तो चलो वो देखो सामने बहुत, गाइस क्या लग रही है दूर से जिप्सी हमारी, वो देखो सामने गाइस ये हमारा जिप्सी या चलो चलो भाई, ओ भाई चलो, यहाँ तो ऑलरेडी फोटो शूट वगैरह हो रहा है यार। ये देखो सामने ये हमारी जिप्सी, ओ भाई एचआर नंबर, चलो गाड़ी घुमाते हैं और अभी हम आएंगे यहाँ पे फोटो शूट करवाएंगे, फिर हम जाएंगे चलो। तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था हमारा, बीच में ऑडियो कट गया है, तो फिलहाल तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो अभी हम फोटो शूट करवाएंगे। फिर मेरे फ़ोन में दो चाहिए, इसलिए मैं मेरे फ़ोन में कुछ मैंने जो भी उठा लिया है। फिलहाल तो अभी भैया सिनेमाटोग्राफर को लाए हैं, तो फिलहाल उससे शूट वूट करवाते हैं, चलो देखते हैं भाई। भैया बहुत अच्छा फ़ोटो, मतलब फ़ोटो उठाए बहुत अच्छे हैं, चलो फ़ोटो उठाते हैं हम। ये जिप्सी है, भैया जिप्सी को एटा कौन मॉडल 2021, ये तो न्यू मॉडल है एकदम, इधर नंबर है। यहाँ पे हैंडल वाले इसका फ्रंट लुक ये है। हाउ मेनी सीटर वो, हाउ मेनी सीटर, कितना सीट करा लिया, फोर सीटर गाड़ी है, सामने से बहुत अच्छा लगता है, मस्त बहुत अच्छा गाड़ी है। किस रकम प्राइस, किस रकम एचआर, एचआर नहीं तो कत पड़े पाँच लाख पड़े। फुल बहुत, मतलब फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है, लाइटिंग वाइटिंग वगैरह स्पेशली ये लाइट बहुत अच्छा लग रहा है हमको। फिर चलो देखते हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी हम घर की ओर जा रहे हैं, तो आप लोगों ने अभी देखा जिप्सी 5 लाख में पड़ गया है वो हमारा यहाँ पे। तो फिलहाल अभी तक आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी अपना यहाँ तक ब्लॉग देखा, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, अपना ही चैनल है, कहाँ से कहाँ आप लोग भी पहुँचाओगे, आप लोगों के लिए फिर गिफ्ट दूँगा, गिव अवे ऐसा बहुत कुछ होगा। तो फिलहाल के लिए अभी सपोर्ट करो यार।